हाय फ्रेंड्स, सुसोवनस किचन में आप सभी लोगों को स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कोलकाता स्टाइल चिकन आलू करी का रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विकली ये रेसिपी बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फ्रेंड, आज का रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिया हूँ चिकन का पीसेस। इसमें हमने ऐड कर दूंगी दही और ये बहुत ही क्विकली मैं बनाऊंगी, इसलिए मैंने पहले से ही मोयन दे रही हूँ। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दूंगी आप स्वाद अनुसार नमक। अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दूंगी चिली पाउडर। देखो मैंने मेरे स्वाद अनुसार 2 टेबलस्पून ऐड किया और थोड़ा सा इसमें मैंने टर्मरिक पाउडर ऐड किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नींबू का रस ऐड कर दिया और यहाँ पर मैंने अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। और उसके बाद सारे मसाला मैंने एक साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया हूँ। और उसके बाद आपके पास जो चिकन पाउडर है, गरम मसाला का पाउडर है, जो भी कुछ पाउडर है तो इस टाइम पे डाल देना। और यहाँ पर देखो मेरे पास जो चिकन पाउडर थी, गरम मसाला का पाउडर थी, सब कुछ इस टाइम पे मैंने ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ये सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये चिकन अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर ये चिकन को 30 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर 30 मिनट हो गई है। और यहाँ पर लिया हूँ 1 टेबलस्पून शुगर, सूखी हुई मिर्ची, और यहाँ पर बॉइल्ड हुई पोटैटो लिया हूँ, और यहाँ पर लिया हूँ हरी इलायची, हरी लवंगों, तेजपत्ता, जीरा और गोलमरीच का पाउडर, और यहाँ पर लिया हूँ टोमेटो, और यहाँ पर चॉप्ड हुई ऑनियन। और यहाँ पर ये चिकन कुक करने के लिए सबसे पहले ये इंडक्शन को ऑन कर लिया हूँ और ये पैन को मैंने गरम कर लूँगी। और गरम होने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दूँगी सरसों का तेल, यानी फिर आपके पास जो ऑयल है वो भी ऐड कर सकते हो। मैं सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल को दोनों मिक्स करके ये रेसिपी बनाऊँगी। और यहाँ पर जो जो मसाला मैंने पहले दिखाई थी, तेजपत्ता, जीरा, सब कुछ इसमें डाल देना है। 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया और यहाँ पर एक सूखी हुई मिर्ची भी ऐड कर दिया और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और ये थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दूँगी चॉप्ड हुई ऑनियन। और मैंने पहले ये शुगर ऐड किया, आप इसको ज़रूर ऐड करना, क्योंकि क्या होता है स्पाइसी का जो कंट्रोल रहता है वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो ये शुगर ही उसको कंट्रोल कर देता है। और आपके जो सॉल्ट होता है वो ज़्यादा हो जाए तो वो भी ये कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, और पहले से ही मैंने नमक ऐड किया। और ये नमक ऐड करने का कारण ये जो प्याज मैंने फ्राई कर रही हूँ ये जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया चॉप्ड हुई टोमेटो। आप इसको प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हो या टोमेटो का केचप भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और ये सारे मसाला अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर चिकन डाल दूँगी। ये चिकन मैंने पहले से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने अच्छे से मिक्स करके रखी थी 30 मिनट के लिए, और ये सारे अच्छे से मैंने कुक कर लूँगी। और इसको लो फ्लेम पर ही अप करना। अब इसको लो फ्लेम पर नहीं करोगे तो ये जल जाने का चांस रह जाते हैं। और इसको मैंने ढक कर दिया था। और इसको 5 मिनट बाद आप देखोगे कि इसके अंदर से पानी निकल रही है। ये पानी निकलने के बाद आप इसको और भी मिक्स कर देना ताकि नीचे ना जल जाए। और उसके बाद आप इसको ढक कर देना और उसको थोड़ा थोड़ा बाद ही आप ऐसी तरह मिक्स करते रहना, क्योंकि ये मिक्स ना करोगे तो इसके अंदर जल जाने का चांस रह जाता है। और ऐसी तरह मिक्स करने के बाद कुछ टाइम पे आप देखोगे कि इसका अंदर ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद आप इस टाइम पे देख लेना कि इसका अंदर कुछ कम है तो इस टाइम पे डाल देना। मेरे यहाँ पर सॉल्ट कम था तो मैंने इस टाइम पे सॉल्ट ऐड कर दिया। और उसके बाद मैंने ये चिकन अच्छे से कुक कर रही हूँ। और आप ये चिकन ऐसे तरह ही ढक करके ही करना। ये ढक करके करोगे तो अच्छे से अंदर से बॉइल्ड हो जाएगी और बहुत ही क्विकली ये चिकन करी बन जाते हैं। और इस टाइम पे मैंने थोड़ा सा इसका हीट इंक्रीज कर दिया और ऐसे तरह ही मैंने अच्छे से ये चिकन करी बना रही हूँ। और यहाँ पर देखो धीरे धीरे ऐसे तरह तेल निकलना भी स्टार्ट हो गई है।
और इस टाइम पे इसका जो हीट है वो अच्छे से इंक्रीज कर देना और अच्छे से मिक्स करते रहना। और इस टाइम पे सारे बॉइल्ड हुई पोटैटो डाल दिया मैंने यहाँ पर, और उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लूँगी सारे एक साथ। देखो मैंने ये धीरे धीरे मिक्स कर रही हूँ। अब इस टाइम पे फ्लेम एकदम लो कर देना और धीरे धीरे मिक्स करना, क्योंकि क्या होता है जल्दी करोगे तो ये जो पोटैटो बॉइल्ड हुई है ये टूट जाने का चांस रह जाते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिया। अब जितना ग्रेवी पसंद करते हो उतनी ही पानी ऐड करना। अब गाढ़ा ग्रेवी पसंद करते हो थोड़ा पानी ऐड करना, और अब पतला ग्रेवी पसंद करते हो तो ज़्यादा पानी ऐड करना, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ पर देखो मैंने इसको ढक कर दूंगी और बॉईल आने के लिए वेट करूंगी, और इसको मैंने एकदम लो फ्लेम पर ही बना रही हूँ। और यहाँ पर देखो अच्छे से बॉइल्ड आ गई है और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको कुक कर रही हूँ। आप इसको ऐसे ही 5 मिनट तक बॉईल कर लेना। और मेरे यहाँ पर चिकन करी बन के एकदम रेडी है, और मैंने यहाँ पर ये इंडक्शन ऑफ कर दिया। और आप ये रेसिपी राइस या फिर पुलाव या फिर रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो मेरे आज का रेसिपी आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।